इब्न शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लेस देन ग्रेटर देन इन इक्वेशंस के सवाल हैं। इन्हें इन इक्वेशन कहते हैं। इन इक्वेशन को बिल्कुल हम वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे इज इक्वल टू को करते हैं। तो देखें ज़रा, ये जो वैल्यू है 2a, ये बड़ा a है, ये छोटा। इस a को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में है यहाँ के माइनस, और ये 6 यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। आसान सवाल है, 2a माइनस a और ये 3 और प्लस 6। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, दो में से एक माइनस हुआ, ए बचा, और 6 और 3 9। अब इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे बनाएंगे? जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो वैल्यू बड़ी है, तो ए बड़ा है 9 से। तो ए जब बड़ा है 9 से तो वैल्यू क्या होंगी? 10 11 12 13 डॉट 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 आगे चलती जाएंगी। ये आंसर हो गया। देखें, ए बड़ा है 9 से, ए की तरफ मुँह खुला हुआ है, ए ग्रेटर देन 9, तो ए की वैल्यू जब 9 से ज़्यादा होंगी तो 10 11 12। सपोज दैट ये आंसर ऐसे आता तो अब क्या होता? ए लेस देन 9, तो अब 9 बड़ा हो गया ना, ए छोटा हो गया, तो ए लेस देन 9 होता तो सॉल्यूशन सेट क्या होता? 9 से छोटी वैल्यू क्या है? 8 7 6 5 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 6 बी है और ये बी है, तो बी को यहाँ ले आते हैं, 6b माइनस बी, फिर ये 5 इधर जाएगा, यहाँ माइनस में, इधर आके प्लस, 6b ये हो गया, 5b माइनस हो गया, 10 और 5 15, 5 यहाँ आ गया, बी 15 अपॉन 5, 5 1 5 5 3 15। तो अब क्या है? बी लेस देन 3, तो b जब लेस देन 3 होगा तो क्या 3 की छोटी वैल्यू है? 2 1 0 -1 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आप इसको इज इक्वल टू की तरह, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। अब ये वैल्यू 5 इधर आएगी, 5 वैल्यू इधर आएगी एक्स प्लस 5 के पास, और 10 इधर जाएगा, 10 25 - 4x, 5x 5x 5 5 25। 10 को 25 से करेंगे, 0 लगाते हैं, 10 4 40x। अब 40x को यहाँ ले आए तो 5x ये माइनस में है, जब इधर आएगा प्लस 40x, 250 अपनी जगह रहा, ये प्लस में है, इधर आएगा, मतलब नंबर एक जगह होगा और वेरिएबल एक जगह होगा। 40x और 5x 45x, ये दोनों माइनस होंगे, 225। 45 को नीचे लाके डिवाइड कर लें, 225 अपॉन 45, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 45 9 होना चाहिए, और इसका फिर सॉल्यूशन सेट आप बनाएंगे। तो x लेस देन 9, तो 8 7 6 और डॉट 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 जो भी वैल्यू आती जाएगी, ये हमारे पास आंसर। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ आएगा, सिमिलरली वैसे ही करते हैं। तो 2 आएगा 7 + 5x के पास, और 3 आएगा 1 - x के पास, 7 2 14 + 2 5 10x, ग्रेटर देन 3 1 3 3x 3x। अब ये x को यहाँ ले आएंगे और 14 को यहाँ, 10x पहले से है, ये माइनस में है, इधर आके प्लस 3x हो जाएगा, 3 पहले से है, ये 14 प्लस में है, इधर आएगा -14, तो 10 में से 3 माइनस हुए 7x, 14 में से 3 माइनस हुए 11, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, x माइनस 11 अपॉन 7। बस यही सॉल्यूशन सेट में आप लिख दें, -11 अपॉन 7, ये आंसर है।